Hello, students. I welcome you all to today's session. I hope all of us are doing good. So, today's topic is sorting materials into groups. Let's learn about objects around us. What are the various objects made of? Properties of matter, matter, properties of materials, classification of materials. We see a large number of objects around us. Some of these objects are living and some are non living. सम आर नेचुरल वेर आर सम आर मैन मेड द मैन मेड थिंग्स में बी मेड ऑफ वन और मोर काइंड ऑफ मटीरियल्स तो दो टाइप के ऑब्जेक्ट हमें भी देखने को मिलते हैं एक नेचुरल और एक मैन मेड different things have different shapes sizes and colors they have different properties and different uses despite these differences many things show similarities in one or more ways jitna bhi ye material available hota hai ye aapko alag -alag shape mein milta hai, alag -alag size mein milta hai, alag -alag uses hai. but despite the differences they possess alag alag type ki similarities bhi aapko inme dekhne ko milenge. things can be grouped in several groups on the basis of similarities in their properties Why do things differ in their properties?

मे बी योर लिस्ट कंसिस्ट ऑफ सम और ऑल ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स दीज थिंग आर यूज इन आर डे टू डे लाइफ तो आपके आस पास नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं जो मैन मेड हैं और नेचुरल थिंग्स भी हैं ये आपकी लाइफ में अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीजों के लिए इस्तेमाल करी जाती हैं और नीचे उन्हीं कुछ ऑब्जेक्ट्स का डिस्क्रिप्शन दे रखा है जैसे कि आपका चेयर एंड टेबल हो गया कवर्ड अलमीरा क्लोथ्स रेफ्रिजरेटर कुकिंग रेंज स्टाव यूटेंसिल्स क्रॉकरी कार स्कूटर एरोप्लेन एंड ट्रेन ऑल दीज थिंग्स आर मेड ऑफ वन और मोर टाइप्स ऑफ मटीरियल्स ये सारी जिस चीजें हैं वो अलग अलग मटीरियल से बनी हुई हैं सम कॉमनली यूज मटीरियल्स आर वुड प्लास्टिक्स पेपर मेटल्स कॉटन सिंथेटिक फाइबर जूट एट्सेट्रा क्ले सीमेंट एट्सेट्रा ग्लास तो बहुत ही ज्यादा कॉमनली जो ऑलमोस्ट आपको हर चीजों में मटेरियल दिखेगा वो है वुड प्लास्टिक पेपर मेटल एट्सेट्रा वॉट आर द वेरियस ऑब्जेक्ट मेड ऑफ जो अलग अलग चीजें हैं वो किन मटीरियल से बनी होती हैं डिफरेंट थिंग्स कंटेन डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर

उन चीजों से मिलकर बनता है एक ऑब्जेक्ट ऑल थिंग्स आर मेड ऑफ वन और मोर मटीरियल इसीलिए कोई भी एक चीज एक या एक से ज्यादा मटीरियल से जुड़कर बनी होती है फॉर एग्जाम्पल अ मेजरिंग स्केल फुट रूलर मे बी मेड ऑफ वुड प्लास्टिक और स्टील जो आपका स्केल होता है वो या तो प्लास्टिक का या लकड़ी का बना होता है फ्राइड राइस प्लेन इज मेड बाई यूजिंग राइस वाटर सॉल्ट ऑयल वेजिटेबल्स स्पाइसेस तो आपका जो फ्राइड राइस होता है जो आपके चावल होते हैं वो भी अलग अलग चीज़ों से मिलकर बने होते हैं जैसे आप पानी मिलाते हैं स्पाइसिस मिलाते हैं वेजिटेबल्स मिलाते हैं अ नाइफ और अ स्टैचू में बी मेड फ्रॉम स्टील और वुड जो आपका नाइफ या स्टैचू होता है वो भी अलग अलग चीज हो जैसे कि वुड हो गया आयन हो गया या स्टील इन सब से मिलकर बना होता है दस स्टील वुड प्लास्टिक ग्लास राइस सॉल्ट एट्सेट्रा आर मटीरियल्स इसीलिए जिन चीजों से ये बनते हैं उनको मटीरियल्स कहते हैं मटीरियल कैन बी यूज टू मेक डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स फॉर एग्जाम्पल ग्लास कैन बी यूज टू मेक टम्बलर्स बोल्ड मिरर्स विंडो पेन्स एट्सेट्रा तो अलग अलग मटीरियल अलग अलग चीजों के लिए यूज होता है जैसे आपकी लकड़ी वुड ग्लास प्लेन हो गया ये विंडोज डोर्स फर्नीचर बनाने के लिए यूज करे जाते हैं सेम थिंग्स कैन बी मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ मटीरियल्स और वही सेम चीजें अलग मटीरियल से भी बनाई जा सकती हैं फॉर एग्जाम्पल टम्बलर कैन बी मेड फ्रॉम स्टेनलेस स्टील ग्लास प्लास्टिक थर्मोकोल एंड पोर्किल तो आपका जो टम्बलर होता है वो भी या तो स्टील से बना होगा स्टेनलेस स्टील से बना होगा प्लास्टिक से या फिर लकड़ी से भी बनाया जा सकता है मटेरियल्स में भी नेचुरली अकरिंग और मैन मेड ये मटेरियल या तो नेचुरली अकर कर सकते हैं या फिर इंसानों के द्वारा बनाए जा सकते हैं फॉर एग्जाम्पल वुड कॉटन जूट मार्बल एटसेट्रा आर नेचुरली अकरिंग मटीरियल्स तो जैसे आपका वुड हो गया कॉटन हो गया ये नेचुरली अकरिंग मटीरियल्स में आते हैं ग्लास स्टील थर्मोकोल प्लास्टिक पोलियस्टर नायलॉन एट्सेट्रा आर मैन मेड मटीरियल्स और प्लास्टिक हो गया स्टील हो गया नायलॉन हो गया ये सारे आपके मैन मेड मटीरियल्स हैं all materials can be felt by one or more of our senses we can feel things by touching smelling or seeing we cannot see air but can feel it on our skin we can smell a perfume even from a distance cotton is soft to touch and stone is hard you can easily identify materials by touching them तो आपके जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं मटेरियल्स होते हैं ये आपकी बॉडी के अलग अलग सेंसेस से अलग अलग तरीके से फील करे जाते हैं जैसे अगर आप हवा है वो आपको दिखती नहीं है बट आपकी स्किन फील कर सकती है परफ्यूम आपको एक डिस्टेंस से स्मेल कर सकते हो कॉटन सॉफ्ट होता है स्टोन हार्ड होता है ये भी आप फील करते हो ऑल मटेरियल्स ऑक्यूपाई स्पेस सारे मटीरियल स्पेस को घेरते हैं बुक प्लेस ऑन द बुक शेल्फ ऑक्यूपाइज स्पेस वेस इन दरअ स्टोन स्पेस ऑन दिना भी मटीरियल होता है वो जगह घेरता है जैसे कि अगर आप एक किताब टेबल पे रख देंगे तो टेबल पे वो जगह घेर लेगा पानी अगर आप बॉटल में डालेंगे तो वो बॉटल में पानी जगह घेर लेगा तो अलग अलग मटीरियल आपका स्पेस ऑक्युपाई करता है All 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 materials materials have mass. mass. things contain one or more kinds of of material. The amount of matter in any object is called its mass. So, all materials have mass. तो आपके जो मटीरियल होते हैं उसमें अलग अलग क्वॉंटिटी का मैटर होता है और उसे मास कहते हैं डू यू नो occupied by अ थिंग इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम और जितना अमाउंट या जितनी जगह एक चीज घेरती है उसको उसका वॉल्यूम कहा जाता है एक्टिविटी 1 Aim to identify materials of common use procedure. Just move around in your house in drawing room, sitting room, bedroom, kitchen, bathroom, etc. Identify the things and fill in the blanks in the table given below. प्लेस स्टडी रूम ड्रॉइंग रूम किचन बाथरूम प्लेस नेम ऑफ दटीरियल यूज फॉर मेकिंग थिंग तो आप अपने घर में अलग अलग जगह पे जाएंगे पूरे घर को ट्रैवल करेंगे तो आपको अलग अलग ऑब्जेक्ट्स दिखाई देंगे तो आपको अलग अलग जगहों पर क्या क्या चीजें दिखाई दी हैं उनका नाम लिखेंगे और वो चीजें किन मटीरियल से बनी हैं, आपको वो भी लिखना है एक्टिविटी टू एम टू आइडेंटिफाई डिफरेंट थिंग्स मेड फ्राम सेम मटीरियल प्रोसीजर यूज़ द इंफॉमेशन गिवन अब अब एंड कलेक्ट मोर इन्फॉर्मेशन फ्राम बुक्स जर्नल्स फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल मटीरियल वै एन स्टील कॉटन प्लास्टिक स्टोन थिंग्स मेड फ्राम द मटीरियल तो ऊपर जब आप एक्टिविटी वन करेंगे वो और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आप अपने बुक से ले सकते हैं कि जो वुड है आई एन स्टील कॉटन प्लास्टिक स्टोन ये किन किन चीज़ों में प्रेजेंट होता है और ये चीज़ें हमें कैसे अवेलेबल होती हैं Activity 3. Aim to identify different materials which may be used to make a thing. Procedure. Use the information given above. Collect more information from books, journals, then fill in the right information in the following table.

ऑल थिंग्स आर मेड ऑफ वन और मोर मटीरियल्स यानी कि एक चीज एक या एक से ज्यादा मटीरियल से मिलकर बनी होती है द सेम थिंग्स कैन बी मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ मटीरियल्स और वही सेम चीज अलग अलग मटीरियल से भी बन सकती है मटीरियल्स में भी नेचुरली अकरिंग और मैन मेड ये मटीरियल या तो नेचुरली अकरिंग या फिर मैन मेड भी हो सकते हैं ऑल मटीरियल्स कैन बी फेल्ड बाई वन और मोर ऑफ योर सेंसेस यानी कि आपकी जितने भी मटीरियल्स हैं वो आपकी बॉडी की एक या एक से ज्यादा सेंसेस से फील करे जा सकते हैं ऑक्यूपाई स्पेस यानी कि जगह घेरते हैं हैव मास मास उनका mass है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर ऑल नॉन लिविंग थिंग्स वेदर नेचुरल और मैन मेड आर मेड फ्रॉम वन और मोर मटीरियल वुड स्टील प्लास्टिक रबर पेपर पेंट एटसेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ मटीरियल्स आपके जो

नंबर टू ऑल मटीरियल ऑक्यूपाई स्पेस सारे मटीरियल स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाई मटीरियल थिंग इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम थिंग्स ऑफ वेरियस हैव डिफरेंट वॉल्यूम्स है एयर विच वी के नॉट सी ऑक्यूपाइज ऑल द स्पेस अराउंड अस तो आपके जितने भी मटीरियल होते हैं वो स्पेस लेते हैं और जो भी मटीरियल जितना स्पेस लेते हैं उनको वॉल्यूम कहा जाता है जैसे कि एयर है हवा है वो आपके एनवायरमेंट का सारा का सारा स्पेस ऑक्यूपाई करती है डू इट नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके आंसर आपको खुद से देने हैं मैटर anything which occupies space and has weight is called matter. all materials in the universe consist of matter, whether it is star, planet, rock, wood or plastic. everything is made up of matter. matter consists of small particles called molecules. molecules of one kind of material are similar but are different from molecules of another kind of material. for example, all the molecules of water are same but are different from the molecules of wood or oxygen. तो आपका जितना भी वेट होता है या एक मटेरियल में जितनी भी चीजें होती हैं उसे मैटर कहते हैं मैटर कंसिस्ट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स एक मटेरियल के जो होते हैं वो एक मटेरियल में सेम होते हैं जैसे कि पानी के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो सेम होंगे बट दे विल बी डिफरेंट फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स ऑफ वुड और प्लास्टिक फैक्ट फाइल अम्ब्रेलाज एंड रेनकोट्स आर मेड ऑफ वाटर मटेरियल्स मटीरियल्स विच प्रिवेंट वाटर फ्रॉम पासिंग थ्रू देम। जो आपके अम्ब्रेलाज और रेनकोट होते हैं वो प्रूफ मटेरियल से मने होते हैं जिससे कि पानी उनसे पास थ्रू नहीं कर पाता प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स We make many objects which are used for various purposes in homes, transport, and industry. These objects are made of one or more materials. Different materials have different properties. So, we choose a material to make a particular object based on properties which are suitable for the purpose for which the object is to be used for example we make a tumbler of materials such as glass plastic or steel because all these materials have a property of holding water or other liquids we cannot make tumbler out of a piece of cloth because a piece of cloth cannot hold water water will just leak out of a piece of cloth similarly we make cooking utensils of materials such as copper aluminum or stainless steel etc because these materials can conduct heat well we do not make cooking utensils of paper like materials because they will burn out as soon as they are kept on a burning gas stove तो आपके जितने भी मटेरियल्स होते हैं वो यूजेजेस पे डिपेंड करता है कि किन चीजों से बनेंगे जैसे कि अगर आपको पानी को स्टोर करने के लिए कुछ बनाना है वाटर बॉटल या टम्बलर बनाना है तो वो आप या तो स्टेनलेस स्टील से बनाएंगे या प्लास्टिक से बनाएंगे अगर आप कपड़े से बनाएंगे तो पानी लीक कर जाएगा सिमिलरली आपके जो यूटेंसिल्स होते हैं वो स्टील से अल्यूमिनियम से या कॉपर से बनते हैं जो कि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट अगर आप पेपर से बनाएंगे तो एज सोन एज यू पुट द पेपर ऑन द स्टाव इट विल बर्न We use gold metal for making ornaments because it has a shiny appearance or luster. We use steel for making buildings and bridges because it is very hard and strong. We use cotton wool Rui, for filling pillows because it is very soft. We use wood for making boats because it floats on water. We use clear glass for making window panes because it is transparent and we can see through it. We use ground glass for making windows of bathrooms because it is translucent and nothing can be seen clearly through it. And we use bricks for making walls of our house because they are opaque and nothing can be seen through them. We will now use the different properties of materials to classify them into various. तो उसी तरीके से आपके जो ब्रिजेस होते हैं वो स्ट्रॉग सीमेंटेड मटीरियल सच एज नंबर वन अपियरेंस शाइनी और डाल तो मटीरियल आपका दिखता कैसे है उस पर भी डिपेंड करता है कि उससे क्या बनेगा नंबर टू हार्डनेस और सॉफ्टनेस मजबूत है या फिर सॉफ्ट है नंबर थ्री सॉल्युबिलिटी और इन सोलबिलिटी इन वाटर पानी में घुलेगा या फिर नहीं घुलेगा नंबर फोर हैवीनेस और लाइटनेस विद रिस्पेक्ट टू वाटर पानी से ज्यादा भारी है या फिर हल्का है नंबर फाइव ट्रांसपेरेंसी ट्रांसलूसेंसी और ओपेकनेस ट्रांसपेरेंट है बहुत बिल्कुल सी थ्रू है ट्रांसलूसेंट है यानी कि थोड़ा बहुत दिखेगा या ओपेक है बिल्कुल भी नहीं दिखेगा तो इन पांच कैटेगरीज में मटेरियल्स को डिवाइड करा गया है we will now discuss all these different methods for the classification of materials in detail one by one number one classification of materials on the basis of their appearance if we look at a gold ornament we will find that it has shiny appearance in science the shiny appearance indicated by the term lustral so gold is said to have luster chamak on the other hand, if you look at a piece of wood, it does not have a shiny appearance. Wood does not have luster. Chamak. Wood has a dull appearance. Thus, some materials have a shiny appearance, whereas other materials do not have a shiny appearance. So, on the basis of their appearance, all the materials are classified into two groups number one, materials having luster or shiny appearance, and number two, materials having no luster or dull appearance. तो अपियरेंस यानी कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो दिखता कैसे है जैसे कि गोल्ड के ऑर्नामेंट्स होते हैं वो शाइनी होते हैं और साइंस में इसका टर्म है लस्टरल यानी कि चमक ऑन द अदर हैंड जो लकड़ी होती है वो आपकी चमकदार नहीं होती यानी कि नॉन लस्टरस होती है तो इसीलिए ऑन द बेसिस ऑफ अपियरेंस आपके जो मटीरियल है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है नंबर वन है मटीरियल हैव लस्टर जो चमकते हैं जो शाइनी होते हैं एंड सेकेंड नॉन लस्टरस जो मटीरियल चमकते नहीं हैं नॉन लस्टरस होते हैं दोज मटीरियल्स शाइनी अपियरेंस आर सेट टू हैव लस्टर जितने भी चीजों में चमक होती है उनको बोला जाता है लस्टरस मटीरियल ऑल द मेटल्स लाइक गोल्ड सिल्वर कॉपर अल्यूमिनियम एंड आयन एटसेट्रा आर द मटीरियल हैविंग शाइनी अपियरेंस ऑर लस्टर Some metals like iron, copper, and aluminium, etc., often lose their shine and appear dull due to the action of air and moisture on the surface. So, we should look for lustre only on the freshly cut surface of such metals or after rubbing their surface with a sandpaper. The examples of materials having lustre or shine are metals such as gold, silver, copper, aluminium, and iron, metal alloys such as steel, stainless steel, brass, etc., and diamond. All the objects made of metals the alloys and diamonds also have shiny appearance or luster for example a steel spoon has luster or shiny appearance द ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ कट ग्लास ऑल्सो हैव लस्टर और शाइनी इवन अ ग्लास बोल हैज शाइन ऑन इट्स सरफेस तो जितनी भी चीजें जिनमें चमक होती है उन्हें लस्टरस कहा जाता है जैसे कि आपके मेटल्स हो गए गोल्ड सिल्वर अल्यूमिनियम कॉपर ये सारे आपके लस्टरस आइटम्स में आते हैं कुछ ऐसे जो एलॉइज होते हैं यानी कि दो मेटल्स को बना के बनाए जाते हैं जैसे कि आपका स्टील हो गया स्टेनलेस स्टील ब्रास डायमंड ये सारी आइटम्स भी या इनसे जो चीजें बनती हैं जैसे कि स्पून हो गया आपके हो गए वो सारे शाइनी होते हैं दो मटीरियल्स विच हैव डल आर सेट टू हैव नो लस्टर नो शाइन द एग्जाम्पल्स ऑफ हैविंग डल मटीरियल विदाउट लस्टर और शाइन आर पेपर कार्डबोर्ड वुड चॉक कॉटन प्लास्टिक रबर एंड सैंड ऑल द ऑब्जेक्ट्स मेड फ्रॉम दीज मटीरियल विल ऑल्सो हैव डल अप्योरेंस वी विल नाउ आंसर वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन द अप्योरेंस ऑफ मटीरियल जितने भी मटेरियल जिनमें शाइन नहीं होता उनको बोला जाता है नॉन लस्टरस इसके एग्जांपल्स हैं आपके पेपर वुड इनसे जो तो चीजें भी बनती हैं वो भी डल ही होती हैं फैक्ट फाइल पेंसिल इज मेड अप ऑफ वुड राइटिंग लेड एंड पेंट लेड इज मेड अप ऑफ क्ले एंड ग्राफाइट तो आपकी जो पेंसिल होती है वो लकड़ी से बनी होती है लेड से बनी होती है और पेंट से बनी होती है जिससे आप लिखते हैं वो क्ले और ग्राफाइट का मिक्सचर होता है सैम्पल प्रॉब्लम फाइंड द ऑडन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। नीचे आपके सामने कुछ चीजें लिखी हुई हैं, जिसमें आपको ऑर्ड वन आउट फिगर आउट करना है अलूमिनियम आयन, कॉपर सिल्वर सैंड तो इन सब में जो ऑर्ड वन आउट है वो है सैंड क्योंकि वो नॉन लस्चरस होता है एंड इट इज नॉट अ मेटल और बाकी सारे लास्टरस है शाइनी है और मेटल हैं आंसर अल्यूमिनियम आयन कॉपर एंड सिल्वर आर ऑल मेटल्स हैविंग अ शाइनी अपियरेंस और लस्टर ऑन द अदर हैंड सैंड इज अ मटेरियल विच हैज डल अप्योरेंस हैविंग नो शाइन और लस्टर। सो वन इज सैंड नंबर टू क्लासिफिकेशन ऑफ मटीरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस मटीरियल हार्ड है या सॉफ्ट है उसके बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन करी जाती है If we press a piece of iron metal with our hands, we will find that it cannot be compressed at all. A piece of iron can also not be cut, bent, or scratched easily. We say that iron is a hard material. In other words, iron has the property of hardness. On the other hand, if we press a piece of sponge between our hands, we will find that it can be compressed easily into a smaller size. A piece of sponge can also be cut. Bent or scratched easily. We say that sponge is a soft material. In other words, sponge has the property of softness. तो आयन जैसे आपका हो गया वो आपको हार्डनेस वाली प्रॉपर्टी देता है क्योंकि आप उसको बेंड नहीं कर सकते आसानी से कट नहीं कर सकते और उसको उसका साइज भी आप बहुत आसानी से चेंज नहीं कर सकते ऑन दी अदर हैंड जैसे कॉटन आपका हो गया या स्पंज हो गया उसे अगर आप हाथों के बीच में दबाएंगे तो वो बड़ी आसानी से दब भी जाएगा बेंड भी हो जाएगा और स्ट्रेच भी हो जाएगा तो इसीलिए वो जो प्रॉपर्टी शो करता है वो है सॉफ्टनेस की डू यू नो मेटल्स सच एज गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज फॉर ऑर्नामेंट्स बिकॉज ऑफ लस्टर तो आपके मेटल्स जैसे कि गोल्ड या फिर सिल्वर हो गए वो शाइनी होते हैं लस्टरस होते हैं इसकी वजह से उनको ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए यूज करा जाता है ऑल द मटीरियल्स कैन बी डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देर हार्डनेस और सॉफ्टनेस नंबर वन हार्ड मटीरियल्स एंड नंबर टू सॉफ्ट मटीरियल्स तो अगर मटीरियल जो है आपके वो दो बेसिस में डिवाइड करे जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देर हार्डनेस और सॉफ्टनेस

डायमंड हार्डेस्ट नैचुरल मटीरियल नोन ये सारे आपके हार्ड मटीरियल के एग्जाम्पल हैं और सबसे ज्यादा जो हार्डेस्ट मटीरियल है आपका जो पाया जाता है वो है डायमंड दो मटीरियल्स विच कैन बी इजिली कम्प्रेस कट बेंट मोल्डेड और स्क्रेच आर कॉल्ड सॉफ्ट मटीरियल्स जिन मटीरियल्स को आप आसानी से बैंड कर सकते हैं स्क्रैच कर सकते हैं मोल्ड कर सकते हैं उन्हें कहा जाता है सॉफ्ट मटीरियल सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ सॉफ्ट मटीरियल्स आर Sponge, cotton, wool, foam rubber, candle wax, butter, chalk, clay, flour, feathers, skin, and tomato. And these are examples of soft materials. Ke hai. Number three, classification of materials on the basis of their solubility in water. Water dissolves a large number of materials, but it cannot dissolve all the materials. Thus, some materials are soluble in water, whereas other materials are insoluble in water. So, ऑल द मटीरियल्स कैन बी क्लासिफाइड इन टू टू ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ देर सोल्यूबिलिटी तो कुछ ऐसे मटीरियल होते हैं जो पानी में सोल्यूबल होते हैं कुछ नहीं होते हैं तो उनके बेसिस पे इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है इनसॉल्यूबल इन वॉटर वी विल अंडरस्टैंड दिस क्लासिफिकेशन मो क्लियरलीफॉर्मिंग सम एक्टिविटीज एक्टिविटी फोर We take a test tube and fill it half with water. Add half a spoon of sugar in it, see figure A. Shake the test tube well and observe it. We will find that the sugar has disappeared into water, see figure B. We say that sugar has dissolved in water or that the sugar is soluble in water. Please note that the sugar is still there in water, but its particles have become so small and spread so uniformly in water that we cannot see them. From this activity, we conclude that sugar is a material which is soluble in water. Some more materials which are soluble in water are common salt, washing soda, potassium permanganate, copper sulfate, blue vitriol, alum, milk, lemon juice, glycerine, and alcohol. Water or any other liquid containing a dissolved material in it is called a solution. For example, water having sugar dissolved in it is called sugar solution. Water plays an important role in the functioning of our body because it can dissolve a large number of substances. तो अगर आप एक test tube लेंगे, उसमें चीनी मिला देंगे, तो आप थोड़ी देर के बाद नोटिस करेंगे कि शुगर के पार्टिकल्स आपको उसमें दिखाई नहीं देंगे. This means that sugar is soluble in water, और इस solution का नाम होगा sugar solution. We now take another test tube and fill it half with water. Add half a spoon of sand in it, see figure A. Shake the test tube well and observe it. We will find that the sand settles down the bottom of the test tube, see figure B. Sand does not dissolve in water. From this activity, we conclude that sand is a material which is insoluble in water. Some more materials which are insoluble in water are chalk powder, sawdust. सल्फर ग्लास प्लास्टिक पेपर फ्लावर वैक्स मस्टर्ड ऑयल ग्राउंडनट ऑयल कोकोनट ऑयल कैरोसिन एंड पेट्रोल अगर आप एक टेस्ट ट्यूब लेंगे उसमें पानी डालेंगे और सैंड को मिलाने की कोशिश करेंगे तो थोड़ी देर के बाद आप ये ऑब्जर्व कर पाएंगे कि सैंड का जितना भी पार्ट था वो नीचे जाके सेटल हो गया है दैट मीन्स सैंड इज़ इनसॉल्यूबल इन वाटर और नीचे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जो कि आपके वाटर में सोल्यूबल नहीं होते हैं डू यू नो मोस्ट ऑफ द मेटल्स लूज द लस्टर वेन एक्सपोज टू एयर एंड मॉइस्टर फॉर लॉन्ग टाइम इट इज बिकॉज द एयर एंड मॉइस्टर स्लोली रिएक्ट केमिकली विद ऑक्साइड्स फॉर एग्जाम्पल कॉपर मेटल विच इज रेड कलर बिकम्स ग्रीन तो आपके अलग अलग टाइप के मेटल्स होते हैं अगर उनको आप बहुत टाइम तक बिना किसी कोटिंग के ओपन में रखेंगे एयर के कॉन्टेक्ट में अगर वो आएंगे तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो मेटल ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और उनके कलर चेंज हो जाते हैं Activity 5. We will now discuss the solubility of some liquid materials in water. Glycerine is a liquid material. We take a test tube and fill it half with water. Add some glycerine to it. Shake the test tube well. Allow it to stand for some time and observe. We will see that glycerine has completely mixed with water to form a single layer. We say that glycerine has dissolved in water or that glycerine is soluble in water. Please note that to tell that a liquid is soluble in water, we can also say that. द लिक्विड इज with विद वाटर सो इन दिस केस वी कैन से दैट ग्लिसरीन इज मिसिबल विद वाटर more liquid materials which आर soluble इन वाटर और आर miscible विद वाटर आर मिल्क लेमन जूस विनेगर एंड alcohol. तो दूसरी एक्टिविटी जब आप करेंगे ग्लिसरीन पानी में मिलाएंगे तो कुछ टाइम के बाद आपको एक अलग लेयर दिखाई देगी इसको भी आप कह सकते हैं कि ग्लिसरीन जो है इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर Mustard oil is also a liquid material. It is an edible oil which can be used for cooking food. We take a test tube and fill it half with water. Add some mustard oil to it. Shake the test tube well. Allow it to stand for a few minutes and observe. We will see two separate layers of water and mustard oil in the test tube. Water being heavier forms the lower layer in the test tube, whereas mustard oil being lighter forms the upper layer in the test tube. This shows that mustard oil does not mix up with water. We say that mustard oil is insoluble in water or mustard oil is immiscible with water. Groundnut oil, coconut oil, kerosene, and petrol are some other liquid materials which are insoluble in water or immiscible with water. Please note that those liquids which do not mix with water can, however, mix among themselves. For example, groundnut oil can mix with coconut oil to form a single layer. Similarly, kerosene can mix with petrol to form a single layer. अगर आप mustard oil लेंगे पानी में डालेंगे तो mustard oil जो है वो lighter होता है इसीलिए वो top layer form कर देगा और water जो होता है heavy होता है तो वो lower layer form कर देगा This means that the mustard oil is insoluble in water. और जो materials आपके water में soluble नहीं होते हैं वो आपस में soluble हो जाते हैं जैसे कि आपका groundnut oil जो है वो coconut oil के साथ mix एक सिंगल लेयर बना सकता है सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसे गैसेज डू नॉट डिजॉल्व इन वॉटर इन अदर वर्थ समर सॉल्यूबल इन वॉटर वेर एज अदर गैसेज आर इन सॉल्यूबल इन वॉटर ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व इन वॉटर दैट इज ऑक्सीजन गैस इज सॉल्यूबल इन वॉटर The plants and animals which live in water use the oxygen dissolved in water for respiration. Thus, oxygen gas dissolved in water is very important for the survival of animals and plants that live in water. Carbon dioxide gas also dissolves in water, that is, carbon dioxide gas is also soluble in water. The plants which live in water use the carbon dioxide dissolved in water for the process of photosynthesis.

प्लांट्स हो गए या फिर एनिमल्स वो अच्छे तरीके से ऑक्सीजन का इनटेक कर पाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो भी वाटर में सॉल्यूबल होती है ये प्लांट्स यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान फैक्ट फाइल इफ द डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड इज सेम एज दैट ऑफ अ लिक्विड देन इट फ्लो जस्ट बिलो द सर्फिस ऑफ द लिक्विड और अगर आपके मटीरियल की डेंसिटी और वाटर की डेंसिटी सेम होती है तो वो मटीरियल पानी में फ्लोट करता है Sample problem 1. Classify the following materials on the basis of their solubility or insolubility in water milk, flour, washing soda, copper sulphate, chalk powder, common salt, sugar, sand, wax, alcohol alum, glass, plastic, kerosene, potassium permanganate, and coconut oil. Answer. We can classify all these materials into two groups on the basis of their solubility in water as follows. इन इन वाटर वाटर मिल्क वॉशिंग सोडा कॉपर सल्फेट कॉमन सॉल्ट शुगर एल्कोहल एलम पोटेशियम पर मैगनेट ये सारे मटीरियल आपके पानी में डिजोल्व हो सकते हैं फ्लार चॉक पाउडर सैंड वैक्स ग्लास प्लास्टिक कैरोसिन कोकोनट ऑयल ये सारे मटेरियल्स आपके इनसॉल्यूबल मटीरियल होते हैं यानी कि पानी में डिजॉल्व नहीं हो सकते सैम्पल प्रॉब्लम टू

Some materials are heavier than water, whereas other materials are lighter than water. In science, the heaviness or lightness of a material is indicated by the term density. A substance which is heavier than water is said to have higher density than water, whereas a substance which is lighter than water is said to have lower density than water. तो जितने भी मटेरियल्स होते हैं वो भारी हैं या फिर हल्के हैं पानी के कंपैरिजन में उसको साइंस की टर्म में डेंसिटी कहा जाता है जिनकी जो प्रेशर uh, होता है या फिर वेट होता है पानी से ज़्यादा होता है तो वी से दैट इट हैज़ द हाइस्ट डेंसिटी या फिर हायर डेंसिटी दैन वाटर जिनका कम होता है उनको कहते हैं लोअर डेंसिटी All the materials can be classified into two groups on the basis of their density. Number one, materials which are heavier than water, and number two, materials which are lighter than water. Yani ki density ke basis, pe do categorization which hai, Sabse pehle hai jo se denser hote hai, aur dusre jo pani denser. Hote in order to find out whether a material is heavier than water or lighter than water, we put a piece of the material in a vessel containing water. Number one, the material which sinks in water is वियर दैन वॉटर नंबर टू द मटीरियल फ्लोटर इज लाइटर दैन वॉटर यानी कि आपकी मटीरियल आप पानी में डालेंगे अगर वो नीचे सिंक कर जा रहा है इसका मतलब है कि वो ज्यादा भारी है अगर वो फ्लोट कर रहा है इसका मतलब वो हल्का है पानी से एक्टिविटी सिक्स वी टेक अ बीकर एंड फिलिट अबाउट टू थर्ड विद वॉटर Let us drop an iron nail in this water. We will find that the iron nail sinks in water and settles down at the bottom of the beaker. See figure A. This activity shows that iron is a material which is heavier than water. Some of the materials which are heavier than water are iron, aluminum, copper, silver, gold, stone, glass, chalk, and soil. All the materials which are heavier than water sink in water. तो अगर आप एग्जाम्पल लेंगे पानी का बॉटल uh, लेंगे या टब लेंगे उसमें आयन नेल यानी की कि कील डालेंगे तो आप देखेंगे कि वो सिंक कर जाएगा बिल्कुल अपने बॉटम तक इसका मतलब उसकी डेंसिटी पानी से ज्यादा है लेटस नाउ टेक अनादर बीकर एंड इट अबाउट टू थर्ड विद वॉटर ड्रॉप अ स्मॉल पीस ऑफ वुड in this water we will find that the piece of wood starts floating on water see figure b it does not sink in water this activity shows that wood is a material which is lighter than water some of the examples of materials which are lighter than water are wood plastic sawdust dry leaves ice oil groundnut oil oil mustard oil coconut oil etc कैरोसिन एंड पेट्रोल ऑल द मटीरियल आर लाइट दिन वाटर फ्लोट ऑन वाटर तो अगर आप एक वुड का लॉग लेंगे और उसे पानी में डालेंगे तो आप देखेंगे कि उसकी डेंसिटी क्योंकि पानी से कम होती है इसीलिए वो डूबता नहीं है बल्कि तैरता रहता है फैक्ट फाइल लियो हेनरिक बेकलैंड अ बेल्जियन बॉर्न अमेरिकन साइंटिस्ट डिस्कवर्ड प्लास्टिक विच ही कॉल्ड बेकलाइट तो बेल्जियन बॉर्न अमेरिकन साइंटिस्ट जिनका नाम लियो हेनरिक है उन्होंने प्लास्टिक की डिस्कवरी करी थी जिनको उन्होंने नाम दिया बिकलाइट नंबर फाइव क्लासिफिकेशन ऑफ मटीरियल ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपेरेंसी ट्रांसलूसेंसी एंड ओपेकनेस द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटीरियल ड्यू टू विच वी कैन सी थ्रू इट क्लियरली इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी जिन ऑब्जेक्ट्स या मटेरियल से आप आर पार्ट देख सकते हैं उनको कहते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल ड्यू टू विच वी कैन नॉट सी थ्रू इट क्लियरली इज कॉल्ड ट्रांसलूसेंसी और जिन ऑब्जेक्ट्स के थ्रू आप अच्छे तरीके से आर पार नहीं देख पाते उन ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। and the property of a material due to which we cannot see through it at all is called opaqueness on gin objects ya materials, material bilkul bhi nahi pate unko kaha jata hai, opaque objects all the materials can be divided into three groups on the basis of transparency translucency and opaqueness number 1 transparent materials number 2 translucent materials and number 3 ओपेक मटेरियल्स। तो तीन टाइप के मटेरियल्स इसके बेसिस पे कैटेगराइज्ड है एक जो ट्रांसपेरेंट होते हैं दूसरे जो ट्रांसलूसेंट होते हैं और तीसरे जो ओपेक होते हैं वी विल नाउ डिस्कस दीज थ्री टाइप्स ऑफ मटीरियल्स वन बाई वन लेटेस्ट स्टार्ट विद ट्रांसपेरेंट मटीरियल those materials through which we can see clearly are called transparent materials for example we can see clearly through a glass of window So, glass is a transparent material. The transparent materials allow almost all the light to pass through them, due to which the objects behind them can be seen clearly. Some of the examples of transparent materials are glass, air, water, some plastics like polythene, groundnut oil, alcohol, etc. Transparent materials are called par in Hindi. तो वो सारे मटेरियल्स जिनके थ्रू आप आर पार देख सकते हैं लाइट उनसे पास ऑन हो जाती है जिसकी वजह से उनके पीछे के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो आप देख सकते हैं जैसे कि जो बिल्कुल प्लेन ग्लास प्लेन होता है उसके आर पार आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स वी कैन सी क्लियरली थ्रू ट्रांसपेरेंट मटीरियल्स फॉर एग्जाम्पल इफ यू लुक एट अ बर्निंग कैंडल थ्रू अ शीट ऑफ क्लियर ग्लास वी कैन सी द कैंडल एंड इट्स फ्रेम क्लियरली This is because the transparent glass sheet allows all the light coming from the candle and its flame to pass through it and reach our eyes. The window panes in our homes are usually made of transparent glass. Our spectacle glasses are also transparent. The glass tumbler in our kitchen is also a transparent object. The test tubes, beakers, and flasks in the science laboratory are all transparent objects. The shopkeepers usually keep the sweets, biscuits, toffees, and chocolates, etc., in transparent containers made of glass or plastic so that customers can see these items easily. If we look at a swimming pool filled with clean water, we can see its bottom clearly through water. This shows that water is a transparent material. वी आर ऑल सराउंडड बाई एयर अराउंड सिंस वी कैन सी द थिंग्स अराउंड थ्रू एयर सो एयर इज ऑल्सो अ ट्रांसपेरेंट मटीरियल तो आपके आस पास भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स के अंडर ही आती हैं फॉर एग्जाम्पल आप एयर ले लीजिए आपके आस पास एयर है लेकिन फिर भी आप चीज़ें देख पाते हैं इसका मतलब एयर एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है पानी अगर पानी साफ है क्लियर है तो उसके बॉटम तक आप देख सकते हैं इसका मतलब कि वाटर भी आपका एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में आता है दोज मटीरियल्स थ्रू विच वी के नॉट सी क्लियरली आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट मटीरियल्स फॉर एग्जाम्पल इफ वी के नॉट सी क्लियरली थ्रू द ग्राउंड ग्लास विंडो ऑफ आर बाथरूम सो ग्राउंड ग्लास इज अ ट्रांसलूसेंट मटीरियल ट्रांसलूसेंट मींस सेमी ट्रांसपेरेंट The translucent materials allow only a small amount of light to pass through them due to which the objects behind them cannot be seen clearly Some of the examples of translucent materials are ground glass butter paper tracing paper oiled paper tissue paper muddy water and clouds Translucent materials are called ardha in hindi तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके थ्रू आप ढंग से नहीं देख सकते जैसे कि कुछ आपके ऐसे शीशे होते हैं जिनके थ्रू आपको आर पार क्लियरली दिखाई नहीं देता उनको बोला जाता है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स का दूसरा नाम है सेमी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स क्योंकि इनसे आप ढंग से पूरी तरीके से दूसरी तरफ के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको नहीं देख पाते जैसे कि आपका मडी वॉटर हो गया इसमें आपको ग्राउंड तक नहीं दिखाई देगा ऐसे शीशे जो में कुछ फिल्म्स चली हुई होती हैं, वो ट्रांसलूसेंट शीशे होते हैं उनके थ्रू भी आप आर पर नहीं देख सकते इनको हिंदी में कहा जाता है अर्ध पारदर्शी वी कैन नॉट सी क्लियरली थ्रू अ ट्रांसलूसेंट मटीरियल फॉर एग्जाम्पल इफ यू लुक एट अ बर्निंग कैंडल थ्रू अ पीस ऑफ ग्राउंड ग्लास और पेपर वी कैन सी ओनली अ डिम लाइट ऑफ द कैंडल वी कैन नाइदर सी द कैंडल इट सेल्फ नॉट द कैंडल फ्लेम क्लियरली थ्रू द ग्राउंड ग्लास और बटर पेपर विच आर ट्रांसलूसेंट द विंडोज ऑफ बाथरूम्स इन न होम्स आर मेड ऑफ ट्रांसलूसेंट मटीरियल कॉल्ड ग्राउंड ग्लास सो दैट Though some outside light may enter the bathroom, but nothing is visible clear from outside. तो so, आपके आसपास बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि आपके बाथरूम में जो शीशे लगे हुए होते हैं वो ऐसे शीशे होते हैं जो ट्रांसलूसेंट मटेरियल से बनते हैं लाइट आती है अंदर लेकिन बाहर से कुछ भी क्लियरली आपको अंदर की तरफ दिखाई नहीं देगा एक्टिविटी सेवन वी कैन मेक अ ट्रांसलूसेंट मटीरियल आर सेल्फ एज फॉलो टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू इट एट अ बर्निंग कैंडल वी विल नॉट बी एबल टू सी मच कैंडल लाइट थ्रू दिस शीट ऑफ पेपर now put 5 to 6 drops of coconut oil at its center spread and rub the oil on the paper with your fingers this gives us an oiled paper let us now look at the burning candle through that part of paper on which oil has been rubbed we will find that more light of the burning candle can be seen through the oiled paper which is a translucent material please note that though we can see more candle light coming through the oiled paper but we cannot see the candle flame क्लियरली तो अगर आप एक पेपर लेंगे उसमें ऑयल रब कर देंगे उस पोर्शन से अगर आप कैंडल लाइट को देखेंगे तो आपको पहले के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा कैंडल का फ्लेम दिखाई देगा इसका मतलब ये है कि अब वो जो पेपर ओपेक था वो अब ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया है दोज मटीरियल थ्रू विच वी के नॉट सी एट ऑल आर कॉल्ड ओपेक मटीरियल फॉर एग्जाम्पल वी के नॉट सी थ्रू अ शीट ऑफ कार्डबोर्ड सो कार्डबोर्ड इज एन ओपेक मटीरियल The opaque materials do not allow any light to pass through them, due to which the objects kept behind them cannot be seen at all. Some of the examples of opaque materials are cardboard, wood, metals, brick, stone, and book, etc. An opaque material is called अपारदर्शी इन हिंदी तो ओपेक मटेरियल्स वो होते हैं जिनके थ्रू आप बिल्कुल भी नहीं देख सकते लाइट इसके बीच से पास ऑन नहीं हो सकती ऐसे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनको अपारदर्शी हिंदी में कहा जाता है इसके एग्जाम्पल्स हैं वुड आपके अलग अलग मेटल्स हो गए जिनके आर पार आप नहीं देख सकते We cannot see anything through an opaque material. For example, if we look at a burning candle through a piece of cardboard held in front of our eyes, we cannot see anything at all. This is because cardboard being opaque does not allow the light of candle flame to pass through it and reach our eyes. We cannot tell what is kept in a wooden box, a cardboard carton, or a metal container because all these objects are made of opaque materials. We can also not see behind a wall because it is made of opaque materials called bricks. तो वो सारे जितने भी आपके आसपास आइटम्स होते हैं जिनके आर पार आप नहीं देख सकते उनको ओपेक मटेरियल कहा जाता है अगर आप बीच में कार्डबोर्ड रखेंगे तो आपको वो कैंडल की लाइट बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी सिमिलरली आपके जो घर बने होते हैं उनके आर पार भी आप नहीं देख सकते क्योंकि वो हार्ड मटीरियल ओपेक मटीरियल से बने होते हैं ब्रिक्स से एक्टिविटी लेट नाउ फाइंड आउट वेदर द पाम ऑफ अर हैंड इज ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट और ओपेक दिस कैन बी डन एज फॉलो टेक अ टॉर्च एंड कवर इट्स ग्लास विद द पाम ऑफ योर हैंड इन अ डार्क रूम स्विच ऑन द लाइट ऑफ द टॉर्च एंड ऑब्जर्व द अदर साइड ऑफ द पाम वी कैन सी सम फेंट रेड लाइट थ्रू आर पाम सिंस द पाम अलाउ सम लाइट टू पास थ्रू इट सो इट इज अ ट्रांसलूसेंट मटीरियल तो अगर आप एक अंधेरे कमरे में टॉर्च की लाइट जलाएंगे उसके ऊपर अपना हाथ रखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि हल्का सा लाल रंग आपको आपके अपर हैंड में दिखाई देगा इसका मतलब आपका हाथ जो है वो लाइट को अलाउ कर रहा है पेनेट्रेट कर पा रहा है इसीलिए वो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट में आता है Keywords Classification The grouping of things together on the basis of a certain similar property. Mass Mass is the amount of substance that something contains. Volume It is the amount of space occupied by a material. Matter Anything that occupies space and has mass is called matter. Density The mass per unit volume of a substance is called its density. Transparent The substances through which we can see. ओपेक द सबस्टेंसिस थ्रू विच वी कैन नॉट सी तो क्लासिफिकेशन होती है आपके कोई भी मटेरियल जिनकी थोड़ी बहुत कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर होती है उसके बेसिस पर उनको एक जगह पर क्लासीफाई करा जाता है मास आपका किसी भी मटीरियल का जो उतना मैटर होता है उसे मास कहते हैं वॉल्यूम जितना स्पेस वो घेरता है मैटर आपका अलग अलग मटीरियल में जो चीजें होती हैं उसको मैटर कहते हैं डेंसिटी आपकी हैवीनेस या फिर लाइटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट होती है ट्रांसपेरेंट यानी कि जिसके आर, आर पार आप देख सकते हैं ओपेक यानी कि जिनके आर पार आप नहीं Points to remember all objects are made of some material. Materials present around us can be of different sizes, colors, shapes, or may be living or non-living. Materials are classified on the basis of their common properties. All matter exists in three states: solid, liquid, and gaseous. The molecules and solids are packed closely and tightly.